याकूद हम तो यही हाथ जोड़ेंगे कि हे साहब आप लोग कोई आदमी मत आइए, हम लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे चाहे जिंदा रहेंगे, वो आप लोग कोई यहाँ अधिकारी कर्मचारी मत आए। यही बदुखित बात, हाँ जो घर द्वार हो ये नहीं खे तो का खेती खेती जहाँ ले ढह तरी ढाहले। क्या वजह है आप लोग अपना मकान तोड़? हम लोग वजह है कि देख रहे हैं आपका टन नजदीक आया है और नदी का है तो क्या करें, हम लोग न तोड़े न हटाएं यहाँ से तो क्या बाल बच्चे नदी में डाल दें। आप लोग कितना कष्ट है, आप लोगों का कितना कष्ट है, अब कष्ट देखें अगर आप ही कोई या जो साहब आए हैं उनको अगर आधा घंटा यहाँ रात में रोक दिया जाए कि आज पूरी रात रह जाइए और देख लीजिए यहाँ कदरी उनको मतलब कि अगर नींद लग जाए 5 मिनट के लिए तो हम गुलामी लिखवा देंगे। तो हम लोग कितना कष्ट सह रहे हैं, सरकार आ रही है, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये आदमी परेशान है कि नहीं है। ये भी जब भगवान खोपड़ा दिया है, आँख दिए हैं देखने के लिए समझने के लिए, तो वो लोग नहीं समझते हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं ये आदमी कष्ट में है कि नहीं है, कोई उपवास है, कोई बगैर खाए ऐसे पड़ा है। एक मकान बनवाने में वर्षों बीत जाते हैं। अगर आप सबकी मकान बनी है, उन लोगों की मकान बनी, वो लोग नहीं जानते हैं कि कितना खर्च है, बसने की जगह ये क्या है, ये सब बर्बादी हो रहा है ना, इसमें बाल बच्चे रहते थे, आज इस पर आदमी चल रहे हैं खड़े खड़ी, टूट फूट के सब कोई पेड़ पर बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आज डीएम साहब अगर अभी बारिश आ जाए तो इस घर के परिवार बच्चे कहाँ रहेंगे, बारिश में नहीं जाएंगे। आज डीएम साहब आए हुए थे, कुछ भरोसा दिया आप? डीएम साहब क्या भरोसा दिए, डीएम साहब आए हुए आप किनारे पर गए, किनारे पर देकर चले गए, हम तो वहाँ रोक रहे थे, हम तो ये भी बोले कि यहाँ पर साल यहाँ ठोकर बंध रहा था ऐसे बांस वाला, पेपर में निकला था कि 8 करोड़ 20 लाख का लागत लग गया, अगर उतना पैसा खर्चा हो गया होता तो पूरा गांव की जमीन कहीं खरीद के बसवा दिए होते, पानी में डालने से क्या फायदा है, इस समय भी ये जो गिर रहा है ये फोकट का गिर रहा है, उन लोगों का जेब भरेगा, चाहे डीएम साहब हो चाहे एसडीएम साहब कोई साहब हो, उन लोगों का जेब भरेगा, जनता का जेब भरेगा, ये सरजू जी में जाएगा। कुछ भरोसा नहीं दिया? कुछ भरोसा नहीं है या कुछ, हम तो यही हाथ जोड़ेंगे कि हे साहब आप लोग कोई आदमी मत आइए, हम लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे चाहे जिंदा रहेंगे, वो आप लोग कोई यहाँ अधिकारी कर्मचारी मत आए, इतना जी जल गया है। माने जे तिखा रहे तने ये वकील लिखा जे हई बात कह आई तो कह ना आई तो झूठ बोल। क्या नाम है आपका? रामनाथ। सरयू नदी से कटान हो रहा है, हाँ क्या नुकसान हो रहा है कटान से आप लोगों का? नुकसान मैं खेती गिर गई, घर द्वार गिर गई और का नुकसान देखल जाए, बाल गोरु के बांधे के दुख, हाँ रहे के दुख, हाँ और खेत में गाड़ी हेठी आई जो तला में तो भसबे न करी गढ़े न करी, हाँ विधायक जब बन जाता नहीं पहले आवता नहीं तो कहते नहीं जे जे बानी से हम ही बानी, आ ये बेरा जब विधायक बन जाता नहीं तो माने जे कमाए लगनी अब विधायक होके हमने के कहाँ ले उठाई नीचे ही जाते लगनी। हाँ कितने घर दादा अब तक टूट चुके हैं गांव में? अरे टूटे तो बेरा 250 माने जे हई घर तो खड़ा बन जाओ ऐसा घर तो यह बेरा 3 साल टूट गई बा, और बड़ा हो तो 50-60 घर और हो। अच्छा अभी डीएम साहब आए थे, कुछ भरोसा दिए हैं आप लोगों को? अरे भरोसा तो बहुत दिए, बेरा दे तरह मिलो तानो वही से कहते नहीं जे यहाँ किसू के काम नहीं छे, जो भगवाने भरोसा बा तो भगवान दे सुआ चाहे ले जाए, सरजू जी चाहे छोड़ो सुआ चाहे जहाँ ले इच्छा करी तहाँ ले जा, पहले भैल है जे बेरे ठोकर बंधा जाए तो खेती बचाई जा घर द्वार नहीं है, ये तो यही पर दुखित बा, हाँ जो घर द्वार हो ये नहीं खे तो का खेती खेती जहाँ ले ढह तरी ढाहले। क्या नाम है आपका? हरे द्वार। क्या स्थिति है गांव की आपकी? ये कटान जो है चार मील दूर से कटान जो है 3-4 साल या 5 साल से चल रहा है, जबकि अगले साल से यहाँ की आवाज़ उठाई गई डीएम साहब, एसडीएम साहब, विधायिका जी राम गोविंद चौधरी जी,
या जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनका निरीक्षण हो रहा है अगले साल से। क्या स्थिति है अभी गांव की, क्या स्थिति है, किस तरह से कटान हो रहा है, किस तरह लोग नदी जो है उफान पर है, इनका धारा जो है तीव्र है और कटान जो है उग्र है। इस क्या कटान की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? इनकी व्यवस्था की वजह से लोग हर घर के लोग अपना घर तोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। इसमें करीब 40 या 30 घर तोड़ लिए हैं, अपना सामान कहीं सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं सब। कितनी आबादी हुई गांव की? पूरे इस गांव की आबादी पूरे जो पूर्व में गांव बसा हुआ है ये आबादी जो है 2000 से है। अभी पूरे 2000 आबादी के गांव प्रभावित है? 2000 के नहीं, एक पूरा जो यहाँ टिकुलिया जो पहला टुकड़ा है वो वही प्रभावित है। यहाँ कितनी आबादी होगी? यहाँ 1100 से कम होगी। तो अभी सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से जो डीएम साहब भी आए थे, कुछ मदद का भरोसा दिए हैं? हाँ दिए हैं। क्या बोले हैं? वो नज़दीक में महर्षि कौन सा स्कूल है, रामानंद की कौन सा स्कूल, उसमें भी है कि जो आदेश कराया जाए और उन परिवारों के लिए रोटी का व्यवस्था तहसील के माध्यम से कराया जाए। देखिए मैं आज यहाँ भोजपुरवा ये है और इसका एक टोला है, यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे सरयू नदी है। तो सरयू नदी का जो प्रेशर है आपके इस टीले की साइड है, जिस साइड ये लोग बसे हुए हैं, पहले जो पानी का प्रेशर रहता था वो उधर रहता था। तो पिछले 5-6 दिनों में जो मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया 80 से 100 मीटर का लगभग कटान हुआ है। अभी जो सरयू का जल स्तर है वो 64.20 है, जो खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर है। लेकिन जितना पानी आ रहा है उतना पानी अभी यहाँ से पास हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ से अपना मकान हटा करके भी गए हैं, तो हमारे लेखपाल ने उसकी सूची बनाई है और लेखपाल द्वारा भी बताया गया है कि 13 लोग यहाँ से जो है मकान हटा करके गए हैं। यहाँ से जो सबसे नज़दीक बाढ़ शरणालय बना है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है और हम वहाँ पर लोगों को भी भिजवा रहे हैं। इनके लिए हम राहत पैकेट भी मंगवा रहे हैं और खाने की व्यवस्था भी करा रहे हैं। आज शाम तक ये जो है सभी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी और नियमानुसार इनको जो भी मुआवजा राशि और सहायता राशि दे होगी वो इनको दिलवाई जाएगी। कितनी की आबादी पूरे जनपद में सर प्रभावित है इस समय कटान से? पूरे जनपद में आबादी प्रभावित नहीं है, केवल हमारे यहाँ पे जो सरयू नदी है उसका ये टोला है और ऐसे ही एक बेरिया तहसील का एक गाँव है, वहाँ पर भी 4-5 घर जो है वो प्रभावित हुए हैं। बाकी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये सरयू के किनारे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहते थे और पानी का जो करंट इस साइड होने के कारण कटान हुआ है। तो बस्ती से अभी भी थोड़ा दूर है, लेकिन कभी भी वो बस्ती तक पहुंच सकता है, इस संभावना के कारण लोग यहाँ से हट रहे हैं। खाली कराने को निर्देश भी दिए गए सर गाँव वालों को, निर्देश आप लोगों की तरफ से कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, कटान भी हो रही है, तो गाँव वाले छोड़ करके चले जाए, इस तरह कोई निर्देश आप लोगों की तरफ से? हमारा जो मैं बताया कि हाँ, जहाँ बाढ़ का पानी बढ़ता है उस एरिया की सूचना हमको पहले मिल जाती है और बाराबंकी में एल्गिन ब्रिज है वहाँ से हम पानी पे निगाह रखते हैं, तो हमको लगभग 1-2 दिन पहले पता लग जाता है कि पानी किस तेज़ी से बढ़ने वाला है और उसी के दिशा निर्देश जो है गांव वालों तक और हमारे जो तहसील स्तर के कर्मचारी हैं उन तक हम पहुंचाते हैं कि पानी के क्या प्रवाह रहने वाला है और आगे किस तरीके की स्थिति है, तो उसको हम बताते हैं और इनके लिए जो भी हर संभव मदद होगी वो हमारे स्तर से की जाए।